हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति ब्लॉग्स पे। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मैं ट्राई करने वाली हूँ मधुबनी पेंटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मैंने कभी इससे पहले ट्राई नहीं करा है। तो पेंटिंग तो मैं करती थी, मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना। मैंने कभी सीखा तो नहीं है, पर मुझे पसंद है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसा बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, और मधुबनी पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डबल लाइनिंग। आप कह सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग की मतलब पहचान है डबल लाइनिंग, उसी से हम पहचान सकते हैं कि हाँ मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे और उसको डबल लाइन करेंगे। तो बॉर्डर के अंदर हम बाद में भरेंगे, पहले इसका मेन थीम जो है वो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पेंसिल से। हम आज बनाने वाले हैं सरस्वती माँ का कुछ डिज़ाइन बनाने वाले हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा है। तो मैंने यही थीम सोचा था पहले से, तो बनाते हैं। ओके, तो मैंने इसका मेन पार्ट ड्रॉ कर लिया है पेंसिल से। अब इसको हम डबल लाइन करेंगे और फिर उसके उसमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह जो होती है मधुबनी पेंटिंग की वो डालेंगे। ये कितना भी बन गया है। पहले ब्लैक पेन से ट्रेस कर लिया है, अब इसको डबल लाइन करेंगे। पहली बार ट्रेस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। डबल लाइन करने से पहले जो मैंने पेंसिल से पहले बनाया था उसको हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा करेक्ट भी करना पड़ा पेन से करने के बाद। इसको इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है एक आँख होता है इसका, तो सबसे लास्ट में वो हम बनाएंगे। अभी मैंने इसको रहने दिया है, लास्ट में बनाएंगे उसको। इतना ही डबल एंड करने के बाद इसका लुक चेंज हो गया है। ब्यूटी ऑफ मधुबनी पेंटिंग। इसको डबल एंड कर दिया है और अब इसके अंदर डिज़ाइंस भरेंगे। तो मधुबनी पेंटिंग में जो ज़्यादातर जो डिज़ाइन होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। तो वो एक होता है कचनी, मतलब पैरेलल लाइंस जो डालते हैं उसको कचनी बोलते हैं, और उसको फिर भरते हैं, उसको भरनी बोलते हैं, मतलब फिल करते हैं उसके अंदर। तो अभी हम इसमें सारी डिज़ाइंस फिल करेंगे।
इसको पहले मैं ब्लैक पेन से सारा डिज़ाइन बनाऊंगी, उसके बाद अंदर कलर फिल करेंगे।
कंप्लीट हो चुका है, बस एक चीज़ बाकी है, वो है बॉर्डर बनाना। तो अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। कैसा लग रहा है? और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मधुबनी पेंटिंग, तो मुझे ज़्यादा पैटर्न्स पता नहीं थे, तो मैंने कुछ कुछ मैंडला आर्ट्स के जो होते हैं वो पैटर्न ऐड करे हैं थोड़ा और सुंदर दिखने के लिए। उसका बॉर्डर थोड़ा और अच्छा बन सकता था आई थिंक, बट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादा डालती डिज़ाइन तो ये पूरा मतलब अजीब हो जाता, कुछ ज़्यादा ही भड़ा भड़ा भरा भरा टाइप। आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़, क्योंकि ये मेरे लिए मायने रखता है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।